केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यमुना पुल में जोरदार स्वागत किया और सर्किट हाउस पहुंचने पर जवानों ने सलामी दी। उसके बाद मंत्री ने सर्किट हाउस में जन समस्या सुनी। बताया जा रहा है कि मंत्री एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। तो साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर पहुंची हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि इसके बाद मंत्री ने सर्किट हाउस में जन समस्याएं सुनी। बताया जा रहा है कि मंत्री एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। ...2014 के पहले यहाँ बुंदेलखंड किसान आत्महत्या कर रहा है, इस नाम से जाना जाता था। किसान के लिए सिंचाई, किसान के लिए सड़क, किसान के लिए बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं। और ऊर्जा के जो स्रोत हैं, चाहे हरित हो चाहे सौर ऊर्जा हो, उस क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। और मुझे जानकारी जो मिल रही है कि कल महोबा में आकर के हमारे नितिन गडकरी जी बुंदेलखंड को और सौगात देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी।